अरे कंफ्यूज्ड हो गया भाई, कंफ्यूज्ड हो गया कहाँ से जाया जाए। अभी देखो क्या मस्त वाला सनसेट हो रहा है उस साइड में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नरसिंहपुर। और आज हम लोग हैं 16 राइट पे एंड हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे अतिथि होटल में, जो कि है नरसिंहपुर में। काफ़ी अच्छा स्टे है, बैंक्वेट हॉल है एक्चुअली। यहाँ पे पूरा इनका प्रॉपर्टी बना हुआ है और पूरा फूड वूड बहुत अच्छा था, ए क्लास था सर्विस। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग का प्लान है हैदराबाद जाने का। 750 किलोमीटर जो है टोटल हैदराबाद तक का डिस्टेंस है, तो होपफुली जल्दी मतलब कवर कर पाएंगे। वैसे तो जल्दी नहीं हो पाएगा, बट तब भी टाइम दिखा रहा है अराउंड 11:30। तो अगर 11 o'clock या 10:30 तक भी कर देते हैं तो दैट्स फाइन। गाइस अभी हम लोग पेंच फॉरेस्ट एरिया में एंटर कर चुके हैं और ये देखो यहाँ पे कैसे चला रहे हैं लोग, और गड्ढे गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं एक्चुअली। ये देखो बीच बीच में एक्चुअली पैच ऐसा पड़ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फ्लो में आ रहे थे अच्छा खासा। हम लोग लास्ट टाइम भी यही रास्ते से आए थे, अमेजिंग वाला फील था, और अभी भी इसी रास्ते से जा रहे हैं तो इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था, तो बारिश की वजह से हम लोग टाइम बर्बाद हो गया था। और ये ट्रक वाला कहाँ जाना चाह रहा है ये नहीं पता है, फालतू का मोड़ दिया है ऐसी। हैदराबाद दिखा रहा है 609 और नागपुर दिखा रहा है 121। हम लोगों को आई थिंक नागपुर से थोड़ा सा पहले ब्रेक लेके एक बार फ्यूलिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रेंज है दैट इज़ 147। यहाँ बीच पे थोड़ा सा देख के जाना पड़ता है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आसपास गांव की वजह से यहाँ पे गाय भैंस सब आसपास ही दिखते हैं। अभी फ्यूल रेंज दिखा रहा है 45 और हम लोगों ने नॉन स्टॉप मतलब खींच दिए हैं वो 235 के अराउंड, 235 किलोमीटर्स। और महाराष्ट्र हम लोग शायद एंटर कर चुके हैं, यस 111, बाप रे। सो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 111 रुपये, 111। बाय गॉड, मतलब हाईवे रन में आप लोगों में जितना ज़्यादा लगता है पेट्रोल उससे नहीं होगा, नहीं होगा, किस हिसाब से कम होगा। 110 ही था भाई वहाँ पे भी। ट्रक वाला यहीं पे बर्तन धो रहा मस्त एकदम, कुकर कुकर वुकर सब बनाया हूँ, किचन विचन बना दिया भाई उसने आगे डैशबोर्ड पे। कल तो एक इससे ज़्यादा इससे भी अलग कांड हुआ था अपने साथ में। कल वो पूरा विम बार लेके ऐसे फोम बना रहा था और पूरा फोम हम लोगों के ऊपर आया है। तो गाइस अभी हम लोग हैं नागपुर क्रॉस कर चुके हैं, हिंगन घाट के एरिए में हैं और टाइम हो रहा है 147। तो अदिलाबाद यहाँ से 175 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है। तो प्लान हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग 4 o'clock ट्राई करेंगे अदिलाबाद पहुँचने का, दैन उसके बाद वहाँ से 200 किलोमीटर रह जाएगा, इजी हो जाएगा हम लोगों को, फिर नाइट में राइड नहीं करना पड़ जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी तो फ़िलहाल वैसे ही है सीन कि फ्यूल रेंज जितना जितना दिखा रहा है और जितना भी कवर हो जा रहा है, हम लोग 50 किलोमीटर्स या 60 किलोमीटर्स के बीच में फ्यूल रेंज जब बच रहा है तब हम लोग गाड़ी स्टॉप कर रहे हैं एंड उसके बाद छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अभी वाला ब्रेक रहेगा तो थोड़ा सा लंबा लेंगे क्योंकि खाना वाना खाएंगे। ये देखो हिंगन घाट से जो रूट जाता है अदिलाबाद के लिए, यहाँ पे आपको ऐसे ही बकरी के झुंड दिख जाएंगे, ये सब यहीं पर चराने लेके आते हैं। अरे कन्फ्यूज़ हो गया भाई, ये कन्फ्यूज़ हो गया कहाँ से जाया जाए। वो कन्फ्यूज, वो पहले तोप बन के निकला आगे, तो उसके बाद में उसको जब लगा कि नहीं, हाँ वही है वही है। ये देखो यहाँ पे रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है, घाटी सेक्शन एक पड़ता है आदिलाबाद से जब हम लोग नागपुर की तरफ जाते हैं। अभी हम लोग को बिल्कुल एंड में पड़ेगा, इसके बाद में जैसे ही आदिलाबाद पहुँचेंगे आदिलाबाद से रोड सही हो जाएगा एकदम, मक्खन है वहाँ से। ये देखो यहाँ पे अचानक से बीच बीच में थोड़ा सा ख़राब पैचेज आ जाते हैं, इसको क्रॉस करना आर थ्री के लिए आई फाइंड इट बिट डिफ़िकल्ट,
क्योंकि इसका सस्पेंशन उस हिसाब से बना नहीं हुआ है। ये देखो आसपास व्हाट अ व्यू, उधर साइड में बादल हो रखे, इधर साइड में पूरा आसमान खुला हुआ है। अच्छा है, अपने ऊपर बादल चलता है, अपने को बारिश नहीं चाहिए बस। देखो जब हाईवे पे राइड करते हैं तो ये होता है। ये देखो ये क्या हो गया, मेरे वाइजर के यहाँ पे एक मारा हुआ था। हम्म, वो हेलीकॉप्टर ड्रैगन फ्लाई। हाँ ड्रैगन फ्लाई ना बहुत ज्यादा है इस रोड पे, इतना ज्यादा है बहुत प्रॉब्लम होता है। अरे रेडबुल भी, अरे भाई यार यहाँ तो सेट है जिंदगी, काम खत्म है बस। हाँ ये बैग पता नहीं क्यों इस साइड हो रहा है, आई थिंक सो यहाँ से। चलो चलो पहले खा लेते हैं। ये है कोई सा रेस्टोरेंट, होटल कशिश, होटल होटल कशिश, इनके खाने में कशिश है बनाने में। चलो आ जाओ। अपनी तो फ्यूल रेंज दिखा रहा है 240 और डिस्टेंस रह गया है 230 कह रहा हूँ, तो हम लोग पहुँच के भी करवा सकते हैं यहाँ अपने भाई लोग फुल टैंक करवाते हुए। दो बार पेट्रोल पड़ चुका है आज में और दोनों बार में 1100 के अराउंड कुछ पड़ा है। तो हाईवे रन में यही होता है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल पड़ता है। ये देखो क्या स्मूथ हाईवे है। ऑलराइट गाइस, तो अभी देखो क्या मस्त वाला सनसेट हो रहा है उस साइड में और अपने को मज़ा आ गया। तो थोड़ी देर रुक गए थे थोड़ा अपना बॉडी रेस्ट करने के लिए, अभी यहाँ से निकल रहे हैं एंड हम लोग पहुँचेंगे अराउंड 10 बजे। उसके बाद में देखेंगे हैदराबाद में पार्टी करेंगे छोटा सा। आ जाओ राजेश भाई। तो उधर पर देखो क्या सनसेट हो रहा है, अमेजिंग। ऐसे वाले हाईवे के साथ में जो फील आ रहा है ना भाई, गजब एकदम। हाईटेक सिटी में और यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे टूवर्ड्स गाचीबौली। ये एरिया थोड़ा सा अच्छा आता है। टाइम हो चुका है, हाँ टाइम हो चुका है 10:07 और फ्यूल रेंज दिखा रहा है 69. गाइस आज का राइड यहीं पे एंड करते हैं और बहुत टायर्ड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा है और यहाँ तक पहुँच चुके हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। डू वॉच माई फुल लेह लद्दाख सीरीज फ्रॉम द प्लेलिस्ट। Thanks again for watching my channel. This is Vigar Rider signing off. Take care. Bye bye. See you in the next one.